हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी को नमस्ते टाशिटिले। और लोसार का सेकेंड लोसार छपा न्यूआ टाशिटिले और कितना। अच्छा, तो अभी तो फिलहाल हम लोग जस्ट उठे थे थोड़ी देर पहले, आधा घंटे से ऊपर। मैं तो सुबह उठा ही था तो, क्योंकि आज का हमारा प्लान था ना कि बेटे को वाटर पार्क ले जाना था, तो मम्मा ने बेटे को कॉन्सर्ट में ले गया। 3 नंबर में कॉन्सर्ट हो रहा है ना, तो के मतलब था नहीं ना जो तेमुर हुए सर, वो कॉन्सर्ट में गया हुआ है, तो हम दोनों तो कॉन्सर्ट में जाने का मन नहीं था तो हम गए नहीं। तो मैं बेटे का इंतज़ार कर ही रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, उसका आवाज़ सुनाता हूँ एक ना, फिर ये बोलेंगे कि हम झूठ बोल रहे साले चन हेटर्स। ठीक है, हमें हेटर्स के लिए था मेरी आवाज है। तो भाई ऐसा हो गया ना कि पता था कि आज हम लोग जाने वाले हैं, तो वाटर पार्क में तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, यहाँ से मे भी 1 घंटा रास्ता है, यहाँ से मे भी 45 मिनट 50 भी पकड़ लो, ट्रैफिक नहीं है तो। तो PRS का जाने का प्लान था, कल ही पता था, मम्मा को भी बोला था मैंने ले जाऊँगा, तो फिर सुबह से मम्मा उसको कॉन्सर्ट में लेके गई है, तो कॉन्सर्ट पे अभी कितना 12 बजने वाले हैं, 11:41 तो टाइम हो चुका है। अब गाड़ी भी 10:30 बजे खुलती है, 5-6 बजे बंद हो जाता है, यहाँ से 1 घंटा में जाने लगेगा, मे भी 1-2 बजे कॉन्सर्ट ख़त्म होगा। आज भी जाने नहीं होगा लगता है, क्योंकि वहाँ 3-4 बजे पहुँच गए तो फ़ायदा नहीं है, 1-2 घंटा ही खेलने मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं लग रहा मेरे को यार। पता नहीं यार, मैं क्या सोच के आया था, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उतना हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है जितना कि हम रुक सके, बहुत खर्चा कर सके, क्योंकि हम तो घर पे खाना नहीं है ना हमारा, हम दोनों बाहर ही खाना पड़ता है, तो हम लोग 3 टाइम छोड़ के मुश्किल से 2 टाइम खाना खा रहे हैं। अभी अच्छा है, मनगोड़ में खाना सस्ता है तो कोई बात नहीं है, फिर भी रूम का भी चार्ज बढ़ते ही जाएगा ना बाद में, मतलब कंटिन्यू होते जाएगा ना, तो आखिर जाने टाइम पे हमें दिक्कत ना हो ना, तो इसीलिए वापस जाने टाइम पे। तो इसीलिए यार जितना वक्त हो सके मैं अपने बेटे साथ गुजारना चाहती हूँ, मगर क्या है पता नहीं किस्मत क्या चाह रहा है मेरे साथ, खेल हो रहा है। तो कोई ना भाई, अभी आप लोग बने रहो। कल रात को भी उसको डिनर नहीं ले जा पाई, कोई बात नहीं, मैंने सोचा आज सुबह से लेके शाम तक उसके साथ ही रहूँगा, सुबह आ जाएगा मेरे पास सोचा था मैंने। नहीं, वैसा कुछ नहीं है पागल, वो अच्छा, उसकी जहाँ खुशी है मुझे तो वो अच्छा लगता है, अब उसको कॉन्सर्ट में अच्छा लग रहा है, वो खुश है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। माँ हूँ यार, और कुछ दिन रुक सकती हूँ, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, अब हम चलते हैं नाश्ता करने, और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, 12 बज रहे तो हम खाना खाने चलते हैं, आप लोग इंजॉय करिए। हाँ तो गाइस, फाइनली अब हम निकल चुके हैं और मैडम चल रही है, देख लो नॉर्मल ड्रेस है, क्योंकि हम आते हुए ज़्यादा कपड़े नहीं लाए थे, मैं रिपीट पहन रहा हूँ, प्लीज माइंड मत करना। बाहर का मौसम देख लो, मस्त ठंडी ठंडी हवा, दिल्ली में ऐसा ठंडी हवा चलता था कितना मज़ा आता, बिल्डिंग वगैरह है ना वहाँ पे काम, दिल्ली में पूरा गर्म हवा चलता है, बाहर छत में छत में जाके बैठने से भी गर्म हवा आता है, ये पूरा जंगल एरिया है,
यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इसलिए फर्क है यहाँ पे और उसमें ना। क्या है? पेड़ पौधे, खेत, अच्छा। हरियाली है ना, तो हाथी है। दिल्ली में पूरा बिल्डिंग बिल्डिंग बना रखा है, देख लो। और हम यहाँ बैठे हैं। रूम नंबर मत बता देना, क्यों? आ जाएंगे कोई ना। क्या हुआ था? बता भी दिया था। फिलहाल आप मैंने भी पहले लोग, भी ये पहना हुआ था, मेरे को पता है हीटर्स लोग काले थे, सब कपड़े नहीं है कि कपड़े बहुत है मेरे पास, मगर अभी लाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा मैं घर से ही पहन लूँगा, तो कोई नहीं, यही कपड़े यही धो रहे यही पहन रहे, क्योंकि यहाँ पे जल्दी सूख रहा है धूप की वजह से, दिल्ली में हफ्ते भर कपड़े नहीं सूखते। चलो समझ आया? बने रहो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुश्ताक होटल, शालीमार मुश्ताक होटल का खा के गया, खा कर तो बढ़िया लगा था, आज फिर खाते आ गए होंगे। खाना ऑर्डर देना, अभी खाना ऑर्डर देता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, पहले खाना ऑर्डर देते हैं। ये देखो गरम गरम, अभी अभी फ्रेश फ्रेश गरम गरम खाए, हरी मिर्ची भिजी के लिए। ये स्पेशल है चिकन ग्रेवी और चिकन बफ ड्राई मंगाया है हमने, इंतज़ार नहीं है देखो उसको, इतनी भूख लगी है बेचारा। चलो हम भी खाते हैं। सब दंग चुना सब बुझे दंग चुना कि बुझे सब दंग चुना सब बुझे दंग चुना कि बुझे गोल ठुकुर सब दो ठुकुर दे किम शोल छू दिए छू के सला शिंगना ना कि पे रे देता दसा किम शो छू के खसांग की कुंभ गज रे छू के सपे कोई रे देला पुगु पे मंगू गया मंगू पे दो जी पूरा जी पूरा मांगे हो तो मा दे हो तो दे वहाँ दे कुकवा दे चाहो तो खाने से और तो खाने दो क्यों और तो मिलो बुझे हो जी माई चम 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 सर दे मसल दे ये शिंगु तो नम दो कुवा ये दबा
गया था। तो फाइनली हम लोग खाना खा के निकल चुके हैं। मैंने सोचा आज लेके जाऊँ उसको, तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। घर पे कल पूरा बोल के आ गया था माँ को, मैं बहन को सबको बोला हुआ था हम चलते हैं कल पीआरएस को, तो सब मिलके एंजॉय करके आ जाएंगे। गाड़ी भी बुक किया था, फिर भी सुबह गाड़ी उबली गई है बोला, फिर भी नहीं था, फिर भी दूसरा एडजस्ट किया था मैंने। तो सुबह का फ़ोन आया, मैसेज आया, आपको सुनाया ही है पहले। तो फिर बाद में इतना इंतज़ार करा, इतना इंतज़ार करा, टाइम इतना हो रहा है, मैंने सोचा कौन सा चीज़ लेट हो रहा होगा। बाद में मेरी मॉम ने वीडियो कॉल करके दिखाया, वीडियोज़ भेजा, दिखाया बस बातचीत कुछ नहीं, दिखाया और वीडियोज़ भेजा, वॉइस मैसेज भेजा उसको स्विमिंग पूल पे या डेबू में स्विमिंग पूल है वहाँ पे लेके गई है। उनको पता है कि मुझे ले जाना था, मुझे सुबह से शाम तक उसके साथ कल बिताना था। व्लॉग में गला फाड़ फाड़ के बोला था मैंने, तब भी मेरे साथ इतना नफरत का बिहेव किया है। शायद विजय मेरे साथ है इसलिए, मगर विजय पुजूंग मैं हम तीनों भी जाते ना। बड़ी बहन को बोला था वो नहीं जाएगी, बोला छोटी बहन बिजी हूँ बोला, तो कोई बात नहीं। मैंने सोचा सर हम तीन तो जाके उसको इंजॉय करेंगे, सुबह से शाम तक मैं उसके साथ अच्छा खिलाओ पिलाओ बात करूँ उसके साथ। मगर ये सब मैंने इतना अच्छा सपना देखा था, मगर पता नहीं बहुत बहुत नफरत पाल रखा है मेरी माँ ने दिल में ना, तो वो निकाल रही है। मगर कोई बात नहीं, उनको पता है कि भाई हम कितने बजट में आए, कैसा लोन लेके आए, सब पता हो कि भी इतना बुरा किया ना मेरे साथ में कि भाई जब मैंने फ़ोन किया पूछूंगू तो बोला कि माँ दोपहर बाद हम आ जाएंगे, हम चले जाएंगे। और मैंने अभी मैंने बहन को फ़ोन किया, भाई तेरी माँ क्या नफरत निकाल रही है मेरे पे, तो बोल वो घर पहुँच चुके थे, वो बोल रही है तू आ ही नहीं रही थी। भाई आ ही नहीं रही थी, सुबह से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा था उसका। चलो कोई नहीं, हो गया सो, वो बस अब नफरत ही निकालेगी। जब तक विजय मेरे साथ है वो नफरत निकालेगी, मेरे को पता है। और भाई ऐसा भी नहीं है कि वो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, वो नफरत निकालने दो, जितना उसके दिल में नफरत है ना वो निकालने दो, मेरे को कोई फर्क नहीं। अब कोई बात नहीं, जैसा बच्चे को सिखाएंगे ना बच्चा वही करता है, ठीक है। मेरा मासूम बच्चा, उसको तो कुछ पता नहीं है, जैसे आज तक मेरी नहीं सुनता था, मेरी माँ की सुनता है वो। नानी जैसे नचाएगी उसको वो वैसे नाचेगा, क्योंकि परवरिश उन्हें की है भाई, क्योंकि मैंने तो मैं काम करने बाहर जाती थी, बच्चा तो वही संभालते थे। तो भाई ऐसे ही है, जैसा वो बोलेंगे वैसा वो करेगा, क्योंकि मेरा बच्चा घर में डरता मेरी माँ से, हमसे तो डरता भी नहीं है वो। तो कुछ बुरा ना उनके बारे में बोलूँगा ना किसी, आज के बाद मैं किसी का बात नहीं करूँगा। अब जैसा उनको करना है उनको करने दो, मेरे बेटे के साथ में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज के बाद। अब मैं सोचूंगा मेरी कोई औलाद ही नहीं है, क्योंकि औलाद मेरी होती ना तो मेरा हक पूरा होता, तो मेरा हक ही नहीं है मैं इसको रखूं या कोई और पति रखूं, मगर माँ मैं हूँ, मेरी औलाद पे मेरा हक है। इसको छोड़ो ना, इसको दूर करो, इसको मेरी औलाद के साथ मत मिलाओ, मेरी औलाद है ना, मेरे साथ मिलाओ ना, मुझे बोलो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चे के ऊपर मेरा पूरा हक है भाई, इसको मत गिनो, मेरे ऊपर बोलो ना कि मेरा बच्चा है, मेरा पूरा हक है यार उसके ऊपर। मगर भाई जानबूझ के आज तो ना ऐसा लग रहा था, बहुत बुरा नफरत निकाला है मेरे साथ में ना, ऐसा लग रहा था मेरे को ना। उनको पता था सुबह से मैं ले जाने वाला हूँ। भाई कॉन्सर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सर्ट मैं बचपन से देखते आया हूँ, ये कैम का ये मास पास वगैरह सब हम बचपन से देखते आए, मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं है। मेरा डेली का व्लॉग है, मास पास देखने का व्लॉग नहीं है मेरा, मेरे को ये डेली का ये बचपन से देखते हैं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ये। मैं आई हूँ यहाँ पे मास पास या कॉन्सर्ट देखने के लिए नहीं, मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। कल रात को ही मुझे डिनर करने ले जाने नहीं मिला उसको, क्योंकि ऑटोज अवेलेबल नहीं थे, बाइक वो दे नहीं रही थी मेरे को। तो आज दिन से सुबह से मैंने, कल मेरा व्लॉग पूरा अच्छा देखना लास्ट एंड तक, कल मैं सुबह से शाम तक मेरे बच्चे के साथ गुजारना चाहती हूँ ये तक भी बोला था मैंने। कोई नहीं, अब मैं रो के इमोशनल सिंपैथी कुछ गेन नहीं करना चाहती, जो सच है वो बता रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं ना कि कमेंट में तुम लोगों का ऐसा ड्रामा, घर का बातें मत बोलो, घर का मेरा ब्लॉग की सच्चाई का है भाई, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, जो मेरे साथ होता है मैं बोलता हूँ, कोई भी क्यों ना हो, बाहर वाला हो मेरा घर वाला हो, मेरे साथ जो बुरा करेगा वो सुनेगा ही भाई, जो सच है सच है। मैं तो ये चाहता हूँ भाई कल के दिन ना कोई भी औलाद बच्चा पैदा करे ना, अपने दम पे करो, अपने बच्चे को पालने को गर्ज रखो बस इतना, कि अपने फैमिली में भी किसी के बच्चे को हक मत दो, ऐसा ऐसे बाद में नफरत निकालेंगे तो भाई ऐसे बच्चा पैदा करके फायदा नहीं है। मैं और विजय बच्चा पैदा करेंगे, मैं और 10 बच्चे पैदा करूंगा, मगर इतना कि वो मेरे साथ रहेगा तभी मैं कंफर्म होऊंगा, तभी बच्चा करूंगा, वरना अब नहीं करूंगा मैं भाई।
देख लिया बच्चा पैदा करना क्या है ये भाई दुनिया में बहुत ही योग छोड़ा है। बस इतना ही मेरे को इतना ही बोलना था और कुछ नहीं, मुझे किसी की बुराई नहीं करनी थी, बस मेरे पे नफरत निकाला जा रहा है बस विजय की वजह से। निकालो भाई जितना निकालना निकालो, ये बंदे को मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाओ ठीक है। तो मेरे बच्चे के दिल में कितना भी नफरत भर दो, उसको कितना भी बोल दो, उसको कितना भी क्या भी कर लो, वो मेरा बेटा है तो मेरे पास आएगा, अपनी माँ का दर्द समझेगा, नहीं है तो तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम लोग ही रखो आके। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। कल एक दो दिन रुकेंगे उसके बाद हम चले जाएंगे, और मुझे मतलब नहीं रखना किसी से भी। जो मैंने सपना सोच किया है, दो दिन से लगातार यहाँ पे हूँ मैं, दो दिन से मुझे मेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिला भाई, ना मैं उसको अच्छा खिलाऊ पिलाऊ कुछ भी नहीं मिला, फालतू मेरा पैसा ही वेस्ट हो गया इधर आके। इतनी नफरत निकालेंगे भाई बच्चे कितना भी क्यों ना हो, माँ इतना बुरा भी तो नफरत नहीं निकालेगी, कोई भी माँ क्यों ना हो यार। किसी एक दूसरे लड़के के लिए मुझे अपने बच्चे से अलग रखना सही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करो करो ऐसे ही, और मेरे बेटे की अच्छी परवरिश करो तुम लोग, पूरा तुम लोग ही करो। आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मेरा बेटा कोई है, नहीं बोलूंगा मैं आज के बाद, मैं माँ हूँ नहीं बोलूंगा। तुम लोग बोलते हो ना तुम लोगों ने पाला है, तुम लोगों ने बड़ा किया है, तुम लोगों ने पैदा किया है, तुम लोगों ने सब कुछ किया है मेरे बच्चे के लिए, तो तुम लोग ही करो। आज के बाद मेरा बच्चा ही नहीं है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बच्चा है, ना मेरा कोई नहीं है, मेरा जो भी है विजय है बस। अब और कितनी नफरत कर सकते हो कर लो, तुम लोग कर लो जितनी नफरत करनी है कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं। और आज के बाद मेरा नाम ही काट दो मेरी फैमिली से ना, और कोई भी मुझे अगली बार सवाल मत करना, खत्म बात है। ओके देन आगे की कंटिन्यू ब्लॉग, अब हम दोनों घूमेंगे, एक दो दिन बचा है उसके बाद हम निकल जाएंगे, हम भी घूमेंगे, हम भी एंजॉय करेंगे, क्यों कोई और नफरत करे तो हम अपना खुशी और अपना जीना थोड़ी छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग खुश हो ना, तुम लोग तो लोसन मना रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। भाई बेटी होती तो सोचती बेचारी क्या कर रही होगी, कहाँ रह रही होगी, कैसा है, उसको बचा रहेगी नहीं कैसे, ये कोई नहीं सोच रहा ना। बेटी होती तो सोचता कोई, बेटी ही नहीं तो कौन सोचेगा। घर तक गया तो भी भाई घर के अंदर बुला के छिमा हम लोग लोसर में करते ना, वो तक भी मुझे कोई बुलाया नहीं अंदर में, ठीक है। बाहर ही था, एक जूस पिलाया, खब से खाया, तब पत्ते वत्ते खेला, निकल गया मैं, ठीक है। वो बोलती है विजय को, तू आ जा घर पे, विजय को वहाँ भीख मांगने रख दे, तेरे पास रूम में पैसा रखने को, रूम में पैसा नहीं है तो उसको कहीं रोड पे बस स्टैंड में सुला दे, वही भीख मांगने रख दे। भाई मेरा इतना प्यार कमजोर नहीं है कि उसको मैं रोड में भटकने दूँ, प्यार किया है यहाँ तक लाने की हिम्मत है तो साथ ले जाने की, वो भी किसी का माँ का बेटा है, उसके भी माँ बाप है, मैं भी एक माँ हूँ, ठीक है। उसको यहाँ तक ले आके मैं उसको तकलीफ दूँ ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे कि उसके गांव में उसके भरोसे से जाता हूँ तो मेरे गांव वो मेरे भरोसे से आया है। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती, वो अपना हो या पराया हो, बस इतना ही है मेरा, ठीक है। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती, किसी का भी नहीं, मेरे में इतना गर्व नहीं है। मेरा कोई दुश्मन भी मर रहा होगा ना, मैं उसको जाके उसकी हेल्प करूंगा, ठीक है। ये तो मेरे पहचानने वाले जानते हैं मेरे पीछे कितना गाली देते होंगे, तब भी मैं उनको कभी बुरा नहीं बोलता हूँ भाई, क्योंकि मेरे सामने बोलने की हिम्मत है नहीं उनकी। चलो कोई नहीं, खुश रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो और पाल लो, अच्छे से रहो, खुश रहो। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे में बोलने की अपना हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है। बात बोलोगे तो अपनी माँ बारे में बुरा बोल रही है, बच्चे के बारे में ही बोल रही है, वो बोल रही है, मेरे को सुनने की ताकत भी नहीं है। दो दिन से घुट रहा हूँ मैं अंदर में ना, बहुत, जिस दिन से मैं उधर से निकलने रोया था ना दिल्ली से, तब से लेके अभी तक मैं ना इधर आके खुश नहीं हूँ, मैं अंदर से घुट रहा हूँ बहुत। भाई क्या गलती किया है, प्यार करना गलत था, क्योंकि मेरा बेटा नहीं जानता है विजय को, विजय के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, किया है। नया बंदा होता तो मान भी लेते, पुराना बंदा है यार, उसके साथ घूम चुका है, खा पी चुका है, हम साथ रह चुके हैं, तब भी ओके देन लिव इट यार, हो गया, खत्म हो गया, डन, खत्म हो गया बस। ओके देन क्यों डांसा मोलो, खुश रहो भाई, तुम लोग खुश रहो, जैसे मैं थी वैसे ही रहूंगी, कोई बात नहीं। मेरी माँ है, मुझे प्यार करती है, मुझे पता है, मगर भाई इतना नफरत भी नहीं करना चाहिए किसी को। हम लोग में प्यार कैसे बोलते हैं, मेरा मेरी सोच में प्यार कैसा पता है, हम जिससे प्यार करते हैं ना वो इंसान सही भी ना हो तो मैं कर रही हूँ ना उससे प्यार, तो तुम्हें भी करना चाहिए,
क्योंकि वो कैसा भी क्यों ना, तुम्हारी बेटी का प्यार है, तुम्हारे भाई का प्यार है, तुम्हारी बहन का प्यार है, ये सोच के प्यार होना चाहिए। मगर प्यार इंसान मुंह से बोलना नहीं होता है, करना समझना चाहिए। और प्यार के बारे में तो मैं भाई मुझसे पूछ लेना, शायद मैं पहले से ही व्लॉग बनाने वाला होता ना तो भाई मैं लव गुरु बना होता अभी तक। चलो कोई नहीं, बाय बाय। बहुत सीख मिल गई अब मुझे ना, कोई बात नहीं। अभी मुझे व्लॉग्स में बहुत मेहनत करनी है, मुझे भाई कर्जा चुकाना है। कर्जा नहीं चुकाऊंगा भाई फिर मुश्किल हो जाएगा, लोन ले रखा है ना, पैसा नहीं चुकाऊंगा ना मेरा गला पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, हैप्पी लोसर, सेवन यू बाय।